और एनओएस वर्सेस टीम नंबर 11 होता हुआ, यस बिल्कुल, ओएस ने डाउन किया, दूसरे साइड से उनको पड़ी है, एक बार फिर से चलना पड़ेगा फेनेटिक्स स्क्वाड पे। चार के चार मेंबर अभी भी जिंदे ने, स्क्वाड आई गेस पुश करने की सोच रही थी। क्रॉन्टन की बात करें, यहाँ पे पेड़ के नीचे हैं, फेनेटिक्स स्क्वाड रश कर सकती है, लूट्स वगैरह काफी ज्यादा अच्छे खासे हैं। क्रॉन्टन के पास एश और बाकी सारे मेंबर्स की बात करें, उन्होंने रोटेशन दे दिया है और शायद एनओएस की स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए नजर आएगी थोड़ी देर में। हाइपर किट की बात करें तो नीचे की साइड पे टीपीपी का यूज कर रहे हैं, मैन पावर फेनेटिक पे ज्यादा है एलिमेंट। आईटी प्रिंस की बात करें तो डाउन हो चुके हैं, वेस की बात करें ऊपर के साइड पर रश करते हुए, ऑसिनेक्स डाउन और एनओएस के जियोन डाउन होते हुए, पारितोष के मॉली से एलिमेंट गब्बर डाउन और गब्बर को वासु ने फिनिश किया, बट ओवेस नीचे के साइड पे लो रिच डिसएडवांटेज डाउन और पूरी तरीके से फिनिश अकेले रश किया, ओवेस ने खामियाजा भुगतना पड़ा, नॉकडाउन होके फिनिश भी हुए। आईटी प्रिंस पूरी तरीके से फिनिश होते हुए, स्ट्राइडर के द्वारा एलिमेंट फ्रॉस्ट भी फिनिश होते हुए, ओके एश भी नॉकडाउन हुए और फिनिश हो गए। एक गंदा रश देखने को मिलता हुआ फेनेटिक स्क्वाड के द्वारा, पारितोष अकेले बचे हुए, क्रॉन्टन वर्सेस पारितोष होता हुआ, बट पारितोष भी डाउन, रौनक अकेले बचे हुए अपनी टीम से और विला पे है, तीन के तीन मेंबर फिनिश हो जाएंगे। अभी मैं कह रहा था एक बढ़िया सोची समझी पुश देखने को मिला और एक बार गंदा पुश देखने को मिलता हुआ फेनेटिक स्क्वाड के द्वारा। इजी क्लच कर सकते थे, इजी वाइप कर सकते थे, बट चार के चार मेंबर अलग अलग डायरेक्शन से गए। रौनक की बात करें, अकेले बचे हुए अपनी टीम से, क्रॉन्टन वहां पे रिवाइव कर देंगे बाकी सारे मेंबर्स को। अभी 1v3 का सिचुएशन है रौनक के लिए, देखते हैं किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्रॉन्टन अभी भी ऊपर की साइड पे, उनको भी पता है रौनक जिंदा है, क्रॉन्टन स्पॉट किया रौनक को, शायद रौनक भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। एनओएस के स्क्वाड ने बहुत ही अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखाया। क्रॉन्टन की बात करें, एश को फिनिश किया हाइपर किड ने, ओजे निकाल लिया क्रॉन्टन पे, बट नहीं, क्रॉन्टन का एक बढ़िया गेम प्ले देखने को मिलता हुआ। आई गेस फनेटिक के सारे मेंबर्स को क्रॉन्टन ने ही डाउन किया है। किल्स की बात करें तो एक बार देखना पड़ेगा क्रॉन्टन पे किल्स कितने, चार किल्स आई गेस फनेटिक स्क्वाड को उन्होंने वाइप कर दिया।